इतने खूबसूरत पौधे, वेरी ब्यूटीफुल प्लांट्स। ये आई डोंट नो कौन सा पौधा है, ये बहुत ही प्यारा प्लांट है, लेकिन ये देखिए लंबी शाखें और ये देखिए वाओ सो ब्यूटीफुल, क्या बात है, कितना खूबसूरत प्लांट है ये, कुदरत देखिए आप खुदा की, वाओ बहुत ही प्यारे प्लांट्स हैं। आई एम ऑल्सो अ ग्रीनरी लवर, सो मैं खुद भी ग्रीनरी बहुत पसंद करता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कि खूबसूरत नर्सरी के डिफरेंट किस्म के पौधों का, वाओ ब्यूटीफुल, इसमें ये पत्ते उधर हैं सेम प्लांट में, ये पत्ते कुछ और का बनते हैं, लेकिन ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए ये कितना खूबसूरत प्लांट है, वाओ ब्यूटीफुल। इनको आई थिंक इन्होंने इस जंगला लगा के इसको केयर करके सीधा करने की कोशिश की हुई है ताकि ये ज़मीन पर ना दिखे। ये फोटो देखिए और ये कुछ बड़े दरख्त हैं, ये मेरे पीछे कुछ बड़े दरख्त हैं, देखिए ये वाला, लेकिन दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत ही खूबसूरत है। नीचे भी बड़े खूबसूरत किस्म के लिए लगा थे, खूबसूरत है, वाह। सनी डे है और हवा में झूम रहे हैं ये भी, जिस तरीके से हम अपनी केयर करते हैं इसी तरीके से आई थिंक हमें अपने एनवायरनमेंट की केयर करनी चाहिए। एनवायरनमेंट से मुराद ये कि हमें पौधों का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ही प्यारा एक ट्री है, ये भी बहुत प्यारा ट्री है, आई थिंक ये भी खजूर का है, लेकिन अभी ये डेट्स का ट्री है, लेकिन ये भी बहुत छोटा है, यंग। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। तो गाइस मैं कह रहा था कि हमें अपने माहौल का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जितना पौधों की केयर करेंगे उतनी हमारी एनवायरनमेंट अच्छी होती जाएगी और माहौलियाती आलूदगी से हम महफूज रहेंगे। ये देखिए ये काफ़ी बड़ी नर्सरी है, लेकिन इसका इस वक्त टूर गाइड मेरे पास कोई नहीं है, तो इस वजह से मैं अकेला ही इसको ब्यूटीफुल, कितने खूबसूरत पत्ते हैं, वाह बहुत ब्यूटीफुल।
अभी हम एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं, उसके बाद हम बड़ी मुश्किल से, उन्होंने भाई साहब ने हमें इजाज़त दी थी कुछ मिनट्स की, और आई थिंक मेरा टाइम भी ख़त्म हुआ चाहता है, तो हम उनको थैंक यू भी करते हैं और यहाँ से इजाज़त चाहते हैं आपसे। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, कितने प्यारे गाइस करते हैं, अमेजिंग। ये देखिए व्यूअर्स, कितना खूबसूरत व्यू है ये सारा। वाओ, ये एक नर्सरी है बड़ी खूबसूरत, लेकिन उसके जो टेक केयर हैं वो बोल रहे हैं कि वो उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने हमें थोड़ा सा अलाउ किया है कि हम ये वीडियो कुछ मिनट्स की शूट कर लें। तो गाइस, ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, बहुत ही पुरानी, और ये आई थिंक खजूर का दरख्त है ये वाला, और ये नर्सरी भी काफ़ी पुरानी है। यहाँ पे बड़े खूबसूरत, ये भी खजूर का है, ये भी खजूर का है, और लेकिन ये इसका नाम नहीं मुझे पता, ये आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ टूर गाइड नहीं है जो मुझे इस
सबका बता सके। ये देखिए गाइस, ये हम एक नर्सरी में हैं जो साथ नर्सरी के नाम से है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत सारे पौधे और बहुत कुछ यहाँ पे गमलों में लगे हुए हैं, डिफरेंट किस्म के पौधे और बहुत ही खूबसूरत है ये नर्सरी। आप इसका ओवरऑल व्यू देख सकते हैं, वाओ ब्यूटीफुल। बहुत ही खूबसूरत है। अभी इस वक्त कोई गाइड नहीं है मेरे साथ, वरना हर पौधे का आपको नाम भी बताते अलग अलग करके कि ये कौन कौन से पौधे हैं, लेकिन उसके लिए हम किसी दिन डिटेल से आएंगे और इनका कोई गाइड भी साथ में रखेंगे जो हमें वो सारे पौधों का डिटेल से हमें उनकी सारी मालूमात फराहम करेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत है ये नर्सरी, और ये जिनकी है आई थिंक इन्होंने बहुत ही शौक से इसको बनाया है। ये देखिए कितनी खूबसूरत है, इसमें आकर एक अजब ही सुकून महसूस होता है यहाँ पर आकर के। ये देखिए कितना प्यारा है, वाह। खूबसूरत इसकी जड़ें हैं और ये भी एक खूबसूरत पौधा है। पौधे का इसमें भगवान ने क्या नाम है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है। गाइड यहाँ पे एक्चुअली इनका टूर गाइड भी नहीं जो हमें ये सारे पौधों के नाम बता सके, तो हम फिर किसी फ्री टाइम में इसका विज़िट करेंगे। तो तब तक के लिए आप ये नर्सरी के खूबसूरत पौधों का व्यू देखिए और इससे लुत्फ़ान्जॉय द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ दिस प्लांट्स। वाओ सो ब्यूटीफुल, ये देखिए कितने ज़्यादा